हेलो दोस्तों, गेमिंग सिंह के चैनल पे आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अब है पार्ट टू की बारी और इस टाइम हम लोग जिस स्टेशन पे खड़े हैं, हमने जर्नी को इसी स्टेशन पे एंड किया था और ये ट्रेन है हमारी एर्नाकुलम कोविड स्पेशल एक्सप्रेस। सो अब करते हैं इस जर्नी को कंटिन्यू। तो जिस कैमरा एंगल पे जर्नी को एंड किया था, उसी कैमरा एंगल से दोबारा स्टार्ट कर रहे हैं। वो कैसे, क्योंकि मैं बिल्कुल साथ के साथ ही वीडियो बना रहा हूँ भाई। यू नो ना, फिर पिछली बार क्या हुआ था, तो इस वजह से। तो भाई, मैं तो इस लाइट में मैं नहीं खड़ा हो पाऊंगा, मैं जा रहा हूँ उधर, क्योंकि अब होना है राजधानी का ओवरटेक। जहाँ तक मुझे लगता है, 1:04 पे हम लोग अराइव कर चुके थे। पागलों के जैसे इतनी तेज चला रहे हैं ये, कुछ कुछ बिल्कुल अता पता नहीं है मतलब। अब देखते हैं वो कब तक आएगी, मैं उसका वो अपडेट चेक करता हूँ स्पॉटी और ट्रेन पे, वो चली भी है या एमी नौटंकी पेल रही है। भाई चली तो है नहीं वो एमी, क्या भाई यार, ये चली वली तो है नहीं कुछ। कब ओवरटेक करेगी, कब हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक्चुअली हम लोग भी, सच में भूल गया, हम लोग भी बिफोर टाइम हैं। तो दोस्तों, मैं ना 1 मिनट में दोबारा इस वीडियो को स्टार्ट कर, मतलब दोबारा कंटिन्यू करता हूँ। मैं 1 मिनट पिछली रिकॉर्डेड वीडियो से कलर चेक कर लूँ, सॉरी इसके लिए, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। दोस्तों, कलर वगैरह मैंने चेक कर लिया है, सब कुछ परफेक्ट है, उसमें कोई इशू नहीं है। बाकी आप लोग पे डिपेंड करता है यार, व्यूअर्स पे डिपेंड करता है कि अगर कोई गलती से मिस्टेक हो भी गई है तो वो उसको किस तरीके से लेते हैं। अगर तो मेहनत के तरीके से लेते हैं कि भाई बंदे ने मेहनत की है, तो हर चीज़ को नहीं नोटिस करते, तो वो जस्ट एक मोटिवेशन के लिए उस वीडियो को देख लेते हैं या कुछ होते हैं नोटिस करते हैं। अच्छी बात है, नोटिस करना चाहिए, बट वो फिर बताते नहीं हैं कि क्या नोटिस किया क्या नहीं। अब हम लोग खड़े हैं, बस रुकवा लो भाई। यही घाटा है कि अराइव पहले कर जाते हैं ट्रेनें, अब बैठे रहो इतनी देर इधर, मुंह सो जाके बस 6 मिनट यहाँ पे वेट करनी है 10 पे, मतलब अभी तो 8 मिनट टाइम टेबल के हिसाब से 6 मिनट, लेकिन हमारे अराइवल के हिसाब से तो 10 मिनट ऑलमोस्ट, क्योंकि 1 बजे हम लोग अराइव कर गए थे। और ऊपर से इतना खच्चड़ स्टेशन है कि कुछ मिले ना यहाँ पे, एक दाना ना मिले, बोर ही है मतलब, बिल्कुल साफ सुथरा बोर है ये तो। टाइम वेस्ट जिसको बोलते हैं ना भाई, हमें निकाल दो यार। अब जाके राजधानी का कुछ अपडेट आया कि डिपार्ट फ्यू सेकंड्स अगो, ऐसा लाइक कुछ, मतलब कुछ करके यार भाई, अब मुझे नहीं पता यार। सो हमारा ट्रैक व्रैक कहीं चेंज होना तो है नहीं, वैसे ही जाए जाना है, बस जाए जाना है, तो क्या फ़ायदा, मतलब मैं समझा नहीं इस चीज़ को। करवाना क्या चाहते हो आप लोग, मतलब क्या करें हम लोग, मतलब मैं समझा नहीं अभी भी आपकी भावनाओं को। चलो छोड़ो उस भावना को। 1:14 पे ये हमें एक्सपेक्टेड टाइम दिखा रहा है कि हम लोग चेंगनूर प्लेटफॉर्म फर्स्ट पे अराइव कर जाएंगे, लेकिन 1:20 का हमारा एक्चुअल अराइवल टाइम है इसके शेड्यूल के हिसाब से। शेड्यूल शेड्यूल वटेवर, बस आपको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है इस जर्नी के लिए कंटिन्यू। साथ ही साथ मैं इसका दूसरा जो पार्ट है उसको शूट कर रहा हूँ, क्योंकि मैं इसको, मेरे को नहीं लगता ये एर्नाकुलम तक पूरा ओके लेके जा पाएगी, बिकॉज़ जितने ओवरटेक हैं, जितने क्रॉसिंग्स हैं, जितने स्टॉपेज हैं, अभी हमारा 1 2 फिर 3 4 5 6, ऑलमोस्ट 6, अरे हाँ क्यों, हमने 4 कवर कर लिए हैं, 3 कवर किए हैं, चेंगनूर जाके 4 होंगे, देन उसके बाद 6 बचेंगे, मतलब अभी 7 स्टॉपेज पड़े हैं। और जिस हिसाब से ये राजधानी आ रही है, मेरे को तो लगता है इसको पता नहीं क्या कोई प्रॉब्लम है, मतलब मैं समझा ही नहीं इसकी भावना। इत भाई दीदी, इतना रो रो के मत आओ, उन्होंने बोला है कि आपके अराइवल, मतलब आपके ओवरटेक का वेट करना है, तो मैं आपके ओवरटेक को रिकॉर्ड करने के लिए बैठा हूँ यार। आ जाओगे तो भला हो जाएगा, वरना फिर रह जाएंगे और क्या, मतलब यहाँ से ओवरटेक का देते हैं शॉट। ओ हो भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है, मतलब थोड़ा खराब हो गया बस। ओ हो भाई साहब, क्या व्यू आ रहा है,
वैसे तो कोच तो काफ़ी हैं, चाहे तो इधर लोगों से भी ले सकते हैं इसका कैप्चर। या आ गए ना लोगों साहब, और क्या हाल चाल? आ तुम्हारी ड्यूटी लग गई या तुम फंस गए आज? वह आ गई क्या? नहीं आई। ओए हो, ट्रेन आ गई का? नहीं आई भाई अभी तक। 3 मिनट की वीडियो, ऑलमोस्ट 5 मिनट की, सॉरी 5 से 6 मिनट की वीडियो, और सिर्फ वेटिंग ही वेटिंग। तो इसको तो कट करना ही पड़ेगा मुझे लगता। बाकी देखते हैं, मैं करूँगा नहीं वैसे भाई, ईमानदार भाई, कुछ भी हो जाए, जितनी मर्जी वेट करनी पड़े। यहाँ तक भी वो अच्छी दिख रही है, ठीक है, पर कहाँ जाके गायब हो जाए पता ही नहीं चलता यार। राजधानी बेटा, इस हिसाब से तुम अराइव करोगी या डिपार्चर लोगी तो हम तो थक जाएंगे। मुझे नहीं लगता ये वो कर रही है अपना गो थ्रू, मतलब लाइक क्या बोलते हैं यार, नॉन स्टॉप जाएगी। इसकी स्पीड देखनी पड़ेगी भाई जब ये आ रही है। आगे आगे तेज आ रही है, तेजी है ना, देखा रो रो के आ रही है। वो तो स्पीड बता रही है भाई, रो रो के आ रही है। अब थोड़ी तेज लग रही है, थोड़ी नहीं भाई पूरी तेज आ रही है। तो इस राजधानी की वेटिंग के चक्कर में पागल हो चुके हैं हम लोग। इसको भाई रुकना है मुझे लगता है, यहाँ पे रुकना है भाई इसको, यहाँ पे लानत है राजधानी होने पे, लानत राजधानियों की बेइज्जती करवा रहा है तू आके इधर। चेन पुलिंग हुई है, अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, सारी राजधानियों चेन पुलिंग हुई है, एकदम रुके है ना, सिग्नल क्लियर है सामने, चेन पुलिंग हो गई है ना, वही देखो चेन पुलिंग हुई। मैं निकल जाऊँ, ये देखते हैं अब क्या होगा। चलना कर बंद, करना बंद है, कर अब हिम्मत है तो भाई, मेरी ट्रेन ना निकल जाए कहीं। चलो अराइवल इधर से, मतलब अब अराइवल भी कह सकते हैं भाई, पैरेलल करवाओगे इसके साथ भाई, बेइज्जती करवा रहे हो यार तुम लोग। नहीं, वही ना चेन पुलिंग ही हुई थी भाई, वरना राजधानी रुकनी नहीं थी, बहुत पीछे से तेज आ रही थी, एकदम रुकी है बिल्कुल। चलो ठीक है। ओ भाई 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 भाई, ओ भाई साहब एक्सलेशन, क्या बात है भाई, दिल जीतने वाली यार। तो ये था राजधानी का ओवरटेक, जो ओवरटेक ना ही समझो आप, क्या ही ओवरटेक किया इसने, कुछ नहीं किया भाई। ओवरटेक का मतलब 140 पे और उड़ाते जाओ बस, इसको मैं तो नहीं ओवरटेक मानता। और पीछे ही हो जी, लाइट भी नहीं चल रही, चल रही है? नहीं चल रही, चल रही, सॉरी सॉरी, फिर से शक किया मैंने, सॉरी सॉरी। चलो भाई डे टू शुरू करते हैं भाई, पार्ट टू। अब पता नहीं कब डिपार्ट करेंगे, कब नहीं करेंगे, क्या है क्या नहीं। मैंने कहा अपने कोच में भाई बैठ जाते, पिछली बार रह गए थे यार, बहुत लाइट है, बहुत ज़्यादा लाइट है, रह गए कुछ सेकंड्स। काफ़ी बड़ी सिटी मार दी भाई, लोको पायलट बिल्कुल मतलब नौसिखिया लग रहा है, नौसिखिया समझते हो, अनट्रेंड। सो भाई 9-10 मिनट की वीडियो तो बस यही हो गई है, खड़े खड़े की। देखते हैं अब क्या करना होगा क्या नहीं, बीच में काफी चीजों को स्किप करना पड़ेगा। भाई अब चला देना भाई, अब पूरे 10 पे भाई, इसको बोलते हैं परफेक्ट डिपार्चर। 10:10 और भाई साहब लेट हो गए लेट हो गए, अब लेट ही हो जाएंगे बस। खींचो स्पीड लोको पायलट साहब,
स्टेशन पे इसलिए क्रॉस लगवाया क्योंकि टाइम पे रुक नहीं पाए, इस पे इसलिए लगवाएंगे क्योंकि टाइम पे पहुंच नहीं पाए। बस क्रॉस पे क्रॉस अप हो गए शुरू। तो मैं तो ये भी नहीं कह सकता मैं स्टेशन पहुंच के आपसे मिलता हूँ, कितनी ही दूर है ये, 6 किलोमीटर की जर्नी में मैं क्या ही उखाड़ लूँगा एडिट करके। चेरिया नाड़, ओके सॉरी, चिड़िया नाड़, किसी के नाड़ चढ़ी है वो बता रहा है ये, चिड़िया नाड़। अंदर चलो भाई, कोच व्यू, चलो डन। लोको पायलट साहब ने बहुत गंदा वाला एक्सेलेशन किया, अभी ट्रेन पूरी प्लेटफॉर्म से भी नहीं निकली है, और इसीलिए किया क्योंकि नीचे टाइम देखो ना, एक्सपेक्टेड टाइम क्या आ गया, 1:25 हो गया अपना, 1:15 हो गया, कोई इसका स्टैंड ही नहीं है बिल्कुल, नॉनसेंस चापली। 1:15, एक मतलब 4 मिनट में हम 5 किलोमीटर कवर कर लेंगे, वाह सही है ये स्कैम। उन्होंने लोको पायलट का एक्सपीरियंस देख लिया, 0 से 100 लाने में मेरे को नहीं लगता कुछ हद, क्या लोग 1 मिनट ही लगा होगा बस। और अपना स्टॉपेज जाने वाला है, जीपीएस के हिसाब से 4 किलोमीटर दूर है बस। है बढ़ रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, मुझे लगा बढ़ रहा है, मैं डर ही गया फिर से भाई। मैं डर जाता हूँ यार कभी भी, मैं कभी भी डर जाता हूँ कभी भी, मेरा कुछ समझ ही नहीं आता, मैं कुछ कर रहा हूँ मैं फिर भी डर जाऊँगा, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं डरता ही रहता हूँ, मैं पता नहीं कुछ भी करता रहता यार। तो मैं आपको बताऊं कि इस ट्रेन में अगर देखा जाए तो अभी तक इस कोच में इतना हैवी वाला वो नहीं है, लोग नहीं है, रश नहीं है, एक के ऊपर एक नहीं चढ़ रखे, लेकिन रात को 1:12 पर ट्रकों का ट्रैफिक मेरे को सड़क पे दिखा नहीं, मतलब वो कोई इतना हैरानगी वाली बात नहीं है। रात को जो ट्रक वाले होते हैं वो ज़्यादातर दिखते हैं, मिलते हैं, मतलब इस स्टेशन पे अगर अंधों वाली अराइविंग की, लोको पायलट साहब मैं बता रहा हूँ, मैं कंप्लेन कर दूँ, मैं पूरी रिकॉर्ड कर रहा हूँ कि स्पीड पे आप क्या कर रहे हो, मैं मजाक नहीं कर रहा, मैं बता दूंगा, मैं डोर व्यू पर नहीं, मैं इधर ही इधर से कैप्चर करूँगा मैं। चलो अभी सीट पर चलते हैं, क्रॉसिंग तो कोई दिखी नहीं आई भाई, ये ना थोड़ा सीनेरियो में करने, ऋतिक भाई थोड़ा नहीं, दिल तो उड़ने वाला काम किया भाई, एक वीडियो मेकर के अपना, एक वीडियो रिकॉर्डर के लिए क्रॉसिंग कम है, रात को ट्रैफिक हो सकता कम हो, इसलिए कम हो, मैं नहीं उनको क्या ही बोल रहे हैं यार, मजाक कर रहा हूँ भाई, सीरियस मत लेना यार, मैं थोड़ा यू नो आपको एंटरटेन करने के लिए कुछ भी बोलता रहता हूँ। अब लगेंगी हैवी ब्रेक्स, अब धमकी चली गई ना बस, अब डर गए वो, अब बस डर बैठ गया दिमाग में, मेरे को पता चल गया, मेरे को फीलिंग आ गई अंदर से, ये काफ़ी बड़ा स्टेशन आ रहा है, FPS की जान निकली अभी, मैंने देखा अभी FPS एकदम ऊपर नीचे हुआ है, झटका लगा हार्ट अटैक, हार्ट मुंह में आके अंदर चला गया। आप लोग भी बोल रहे हो यार तो लोको पायलट बन के जर्नी क्या कर, कितना बोलता है, कभी तो शांत बैठ, पर नहीं मैं शांत बैठ जाऊँ तो फिर मैं कैसे, और तो आप कैसे, मेरे व्यूअर्स को मेरी शांति नहीं पसंद शायद, बाकी पता नहीं भाई। तो गांधी धाम हम सफर जर्नी ख़त्म हुई, अब एन्ना कॉलम कोविड स्पेशल शुरू हो गई, और ब्रेक मारो, और लोको पायलट साहब बिल्कुल रियल अराइविंग चाहिए मुझे, बिल्कुल रियल वाली, वरना कंप्लेंट कर देंगे, धमकी दे रहे हैं सीधी साधी, ट्रैक चेंज करिए अब शांति में, 20 की स्पीड पर अराइवल दिखाएंगे बस, बात ख़त्म हो गई। वैसे भी 5-5 मिनट जो ये जल्दी अराइव कर रहे हो इसी की वजह से हो रहा है कि जो उड़ा उड़ा के ला रहे हो और अराइविंग दिखा रहे हो, हमारे व्यूअर्स पागल नहीं है, यहाँ पे थोड़ी रोशनी मतलब वो है, मतलब जैसे दिन चढ़ा होता ना वैसा कुछ सीन लग रहा, बट ऐसा है नहीं भाई, रात है अभी, रात के 1:15 हुए हैं, लेकिन वो लाइटनिंग की वजह से काफ़ी ऐसा इफेक्ट आ रहा है ना। सो डोर पे चलते हैं, क्या ही कर लेंगे यहाँ पे खड़े हो गए, कुछ नहीं कर पाएंगे भाई, चलो चलो डोर डोर पे चल डोर पे।
आ लो, अब जाके प्लेटफॉर्म चेंज हुआ है। ओ भाई साहब, एक शानदार कब पे हमारी ट्रेन और इस चेंगनूर प्लेटफॉर्म के, सॉरी चेंगनूर स्टेशन के प्लेटफॉर्म 1 पे अराइव करती हुई राजधानी एक्सप्रेस अपना स्टॉपेज ले रही है। वो पूरा मस्त ज़िंदगी जी रही है। अभी इधर ही रहेंगे जब पूरी, इधर से प्लेटफॉर्म देखना। अब आप, मैं ऐसी चीज़ें ट्राई करता रहता हूँ, मेरे को ऐसे व्यूज़ काफ़ी अच्छे लगते हैं। मतलब ऐसा होता है कि अराइविंग के टाइम पे थोड़ी सी नॉच दी जाती है, मैंने कई बार नोटिस किया। अब ये व्यू देखा आपने, कितना मस्त लगा। आपको लगा कि नहीं लगा? मुझे तो बहुत लगा। और क्या हाल चाल, अकाल तख्त के एओजी लेके घूम रहे हो, अकाल तख्त के कोच लेके घूम रहे हो, अपना भी कुछ ले लो यार। चलो जी, चिंगनूर स्टेशन पे हम लोग अराइव किए हैं और फिर वही हाल, 4 मिनट पहले, 5 मिनट पहले, अभी जबकि इतनी परफेक्ट अराइविंग करवाई है, मतलब जिसका कोई कहना नहीं, मतलब जिसको आप छोड़ो यार, मतलब समझ लो। अब मैं सोच रहा हूँ 6 स्टेशन तक एटलीस्ट इस जर्नी में कवर कर लें, मतलब 35 कोट्टयम तक, या कोट्टयम तक एटलीस्ट हम लोग इस जर्नी को कवर कर लें। अब बाकी पता नहीं भाई, जिस हिसाब से इस ट्रेन के हाल है ना, मुझे तो यही स्टेशन लास्ट लग रहा है। मैं तो इसको छोड़ गए, पर राजधानी तो इससे भी बुरी चल रही है। राजधानी में बैठेंगे तो ये पहले पहुंच जाएगी, जिस ट्रेन में मैं हूँगा उसके ऑपोजिट वाली पहले पहुंच जाएगी। अगर मैं उसमें चल जाऊँ तो, राजधानी में चला जाऊँ तो ये पहले पहुंच जाएगी, अगर इसमें रहूँ तो राजधानी पहले पहुंच जाएगी। बाकी हो सकता है वो उस साइड जाए भी ना, वो फिर रूट चेंज कर ले, मैं फिर फंस गया। मुझे एर्नाकुलम जाना है, पता नहीं नेक्स्ट ड्यूटी है नहीं है, क्या है, मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे एर्नाकुलम बुलाया, मैं जा रहा हूँ। मुझे क्या, उन्होंने बोला था टिकट के, टिकट ले आओ अपनी, वो मैं चाहता था सेकंड एसी की टिकट ले लेता महंगी वाली और उनसे जाके पैसे ले लेता, बट ऐसा अपना नहीं है, अपने को अपने व्यूअर्स के लिए पहले देखना है। चलो जी, पानी कोल्ड ड्रिंक है यहाँ पे, है। ओ भाई सब, चाय भी है? नहीं, ताज़ा पानी कोल्ड ड्रिंक, ओके ओके, मुझे लगा चाय पानी कोल्ड ड्रिंक। मैं चाय पानी कोल्ड ड्रिंक कुछ लेके आता हूँ। कहाँ पे है, कहाँ लगा स्टॉल? स्टॉल नहीं है पूरे पर, लेकिन आवाज़ आ रही है। बंद तो नहीं कर दिया? 10 मिनट्स हॉल्ट। बाप रे भाई, अपनी यार एक 20 पे 31 पर भाई, अभी तो फिर मतलब 10 नहीं 12 मिनट का हॉल्ट हो लो यार, भाई मर जाएंगे भाई, कुछ कर जाएंगे हम, मर जाएंगे भाई, सच्ची मर जाएंगे भाई। कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है स्टेशन पे, गरीब स्टेशन बिल्कुल। चिंगनूर स्टेशन का क्या करें अगर तुम लोगों के पास कुछ खाने पीने को नहीं है? उधर जाके आते, अब तो 10 मिनट रुकना है। ये क्या भाई, छत टूट रखी, छत गिरी पड़ी बिल्कुल। ओ भाई इधर से कूद जाओ वेंडर्स, तुम लोग अगर इस टाइम कुछ लेके नहीं बैठ सकते तो, यहाँ पे बंद पड़ा है, चलो अंडर कंस्ट्रक्शन है। मैं इतने उबड़ खाबड़ हो के आ रहा हूँ, उधर से जाना पड़ेगा। दरवाजे ही नहीं कोई खोल रहा, पता नहीं क्या है इसको। अगला स्टेशन है चिंगनेसरी, बाप रे बहुत टफ टफ नेम है भाई इस रूट में। 3 दिन लग जाएंगे मुझे, मुझे क्लासेस लेनी पड़ेंगी इस रूट के डेवलपर मतलब ऑनर से। इस बोर्ड में उंगली दे दे राजधानी का ड्राइवर, मेरे को दे दे राजधानी, अभी 10 मिनट में पहुंचा दूं एर्नाकुलम। वो बात अलग है कि मैं चलाऊंगा अंधों का, जैसे है ही नहीं पानी कोल्ड ड्रिंक, मैं पानी कोल्ड ड्रिंक लेके आता हूँ और फिर डिपार्चर के टाइम पे मिलता हूँ, बिकॉज अभी टाइम वेस्ट हो जाएगा, अभी कोई क्रॉसिंग व्रॉसिंग कुछ खास है नहीं मुझे लगता नहीं, तो अभी मैं आपको डिपार्चर के टाइम पे मिलूँगा, तो तब तक बने रहना लेकिन वीडियो के साथ, ठीक है?
तो फाइनली हमारी ट्रेन जो है चिंगनूर स्टेशन से अब डिपार्चर ले चुकी है भाई साहब। मैं बता रहा हूँ, ये पैसेंजर है, ये ऐसी कोच लगा के सिर्फ स्कैम है, ये पैसेंजर है। ऊपर से पानी की बोतल इतनी मुश्किल से मिली है, मतलब मुझे नहीं लगता ये जर्नी काफ़ी अच्छी होने वाली है, ये परेशान वाली है भाई। पैसेंजर ट्रेन है भाई ये तो, मेरे को पैसे वापस करो, मेरे को सुपर फास्ट के चार्जेस लगे हैं। सुपर फास्ट तो किसी एंगल से नहीं है ये। नेक्स्ट स्टेशन आ रहा है कितना, 16 किलोमीटर दूर आ रहा है, तो देखते हैं क्या होगा क्या नहीं होगा। अभी देखना स्पीड अप होगी तो यहाँ पे 143 मतलब 144 एक्सपेक्टेड टाइम आ गया। अभी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा देखना, जब जब स्पीड होती जाएगी तेज। बस मेन लाइन पे आते ही बस फिर वही अपनी वापस स्पीड पे आ जाना, फिर 110 मतलब 100 110 जो भी है। सामने बोर्ड लगा, बहुत गंदा एक्सलेशन करता है यार ये लोकोमोटिव, या शायद लोको पायलट। तो भाई जैसे ही मैंने कैमरा बंद करने वाला था एकदम राजधानी जो डिपार्ट कर गया, मैंने सोचा मैंने कहा भाई राजधानी कैप्चर कर लेते हैं और क्या। जैसे ही मैंने आपको बोला ना कि मैं अभी डिपार्चर के टाइम में मिलता हूँ, उसी टाइम जो है ना वो राजधानी ने डिपार्ट कर दिया। मैंने कहा ये मतलब ये भाई इतनी तेज लाइट है यार यहाँ कोच के अंदर। ओ भाई भाई, भाई कहाँ से आ रही है ये लाइट? अच्छा उधर से आ रही है, बहुत तेज है यार, बहुत आंखों में चुभने वाली लाइट है। अभी तक OHE में वायर दिख रही है मेरे को, 40 की स्पीड है अभी भी, लेकिन मेन लाइन पे आ चुके हैं खुशी की बात। वही अब फिर से जोर लगा के एक्सलेशन होगी। ये रूट की रात की ब्यूटी देखो भाई, ब्यूटी समझते हो भाई? देखो आमने सामने और लगा रखे ना, क्या OHE गिरी ना जाएगा, मतलब ये वायर उसकी गिरी ना जाएगा। अरे मजाक कर रहा है यार, मजाक कर रहा भाई साहब, बहुत तेज लाइट है भाई, इसको कम करो यार, इतनी तेज लाइट है। लोको पायलट अगर हेडलाइट ऑफ भी कर देना तो भी दिखता जाए उसको। लोको पायलट साहब तेज, फुल फुल स्पीड पे वही। चलो चलो भाई, वही अपने वाले अंदाज में वापस आ जाओ, यहाँ बैठे थे ना बस, यहाँ पे लाइट कम है ठीक है, बट अंदर ये देखो भाई, ये जो इसके पीछे वाला कैबिन है ना उसमें काफ़ी लोग चढ़े हैं, मैंने देखे हैं चिंगनूर स्टेशन पे। ये मतलब 28 पे भाग भाग के आए सब लोग, भाई साहब ये गाड़ी एर्नाकुलम जा रही है, जा रही है, जा रही है, जा रही है। मैंने कहा तुम लोग कोविड स्पेशल में आए हो तो उसकी तो टिकट ज़रूरी है। नहीं टिकट तो है लेकिन नंबर भूल गए हैं। मैंने कहा ये सही है, यही गाड़ी है जो एर्नाकुलम जा रही है, यही गाड़ी जो एर्नाकुलम जा रही है। मैंने कहा नहीं ये पाकिस्तान जा रही है, जाना है बोलो। सेवेंटी की स्पीड मिली है यार, वैसे ही लेट हो जाएंगे। 43 था अराइवल, 45 हो गया, ऐसे नहीं चलेगा। स्पीड दो मतलब लिमिट दो थोड़ी और बढ़ाओ थोड़ी लिमिट, जैसे 200 टाइप कर दो ना कुछ, भाई साहब पागल कर देंगे। 80 मिली अब भाई, वो बीच बीच में मुझसे निकल जाता है कि स्पीड लिमिट मिल गई, मतलब समझ लो कि यार ये जो जर्नी है ना ये कोच की जर्नी है, लोको व्यू की जर्नी नहीं है। लोको सिर्फ तब देखने को मिलेगा जब स्टेशन अराइवल होंगे, मतलब उतरेंगे जब हम लोग ट्रेन से। अब ट्रेन हमारी बहुत सुंदर शानदार कर्व पे है, कर्व को मिस ना करते हुए हम लोगों को जाना पड़ेगा। देखा ओ भाई साहब स्कैम, क्या कर्व आया यार, 100 की स्पीड मिल गया, देखते हैं। 100 भी कम है यार, तो
साहब आसमान देखो। भाई क्या लगता है भाई कब तक पहुंच पाएंगे? तो मैं ऐसा करता हूँ, अब मैं आपको मिलूँगा अराइवल पे भाई। वाकई नहीं तो जर्नीज बहुत बड़ी बड़ी हो जाएंगी, नहीं पार्ट कवर कर पाएंगे, 5-6 हो जाएंगे, तब तक नहीं जर्नी का टाइम आ जाएगा, तो फ़ायदा नहीं है ना उसका कोई। ट्राई टू अंडरस्टैंड, जैसे ब्लॉगर्स करते हैं ना, ट्रेन जर्नीज, अराइवल, मतलब हाई स्पीड रन, ओवरटेकिंग, ये सब चीज़ें वो कैप्चर करते हैं, तो हम भी बिल्कुल वैसा ही करेंगे। सो प्लीज़ अंडरस्टैंड करना इस चीज़ को। तो मैं मिलता हूँ अब आपसे अराइवल पे। तो दोस्तों अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेशन हॉल्ट है, जहाँ पे अब रुकना है हमें, वो बस 2 किलोमीटर दूर है। तो आई थिंक सो अगर हम ऐसे ही एडिट कर करके अपनी जर्नी करते रहेंगे, सो मुझे लगता है कि कोट्टयम कंप्लीट कर लेंगे। बाकी देखते हैं, कोट्टयम अगर नहीं कंप्लीट होता तो उस पार्ट को कैसे कवर करेंगे अभी तक मेरे को नहीं पता, बट कर लेंगे कवर। तो बीच में आपने एक स्टेशन की स्किपिंग देखी भाई साहब, वो स्किपिंग मतलब मैं बोलता हूँ लाजवाब स्किपिंग थी वो। एकदम से पावर ऑलमोस्ट 109 किलोमीटर पर आर की स्पीड मिली थी इस ट्रेन, मतलब 110 मिली थी ना, तो 109 पे मेंटेन थी, तो वो 109 के टाइम पे ही वो स्टेशन आ गया भाई। मैं कहता हूँ मज़ा आ गया, मतलब मेरे को तो, मतलब मेरी जर्नी का सबसे बेस्ट स्किप हो गया ये। कत्ते ही जहर हो गया काम मतलब। और अब तो ये भी शुक्र है कि हमें मेन लाइन वाले प्लेटफॉर्म पे डाला गया है, कोई प्लेटफॉर्म चेंज, वो ट्रैक चेंज नहीं है, कोई कुछ नहीं है। सो मेन पे आओ, मेन से निकलो भाई, ज़्यादा फायदा यार। ये राजधानी फिर स्टॉप पे ले रही भाई, राजधानी को स्टॉप पे दे रखा बहुत। ओहो, वैसे ही नहीं नाम पढ़ने आ रहे और ये लोग। चलो जो भी लिखा ठीक ही लिखा होगा, पानी कोल्ड ड्रिंक सब कुछ है भाई। अब पिछले स्टेशन पे बड़ी मुश्किल स्टॉल मिला है और टाइम कवर कर लिया इस ट्रेन में, वो 109 वाले में चल के ना कवर कर गई पूरा टाइम, पूरा प्रॉपर टाइम कवर कर गई। मतलब ये राजधानी से रेस लगा सकती है और जीत भी सकती है। हाँ, क्योंकि इस टाइम कुछ खास चेन पुलिंग, कुछ ऐसे टेक्निकल हॉल्ट मेरे हिसाब से कम आते हैं। बाकी अगर कुछ और प्रॉब्लम हो जाए तो बात अलग है, लेकिन ये चेन पुलिंग वेन पुलिंग वगैरह कुछ नहीं होती इस टाइम मुझे लगता है जहाँ तक। हाँ, कोई चाय वगैरह लेने के लिए उतरे और वो रह जाए तो वो उसकी गलती है, वरना डिपार्चर के बाद कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि फ़ोन गिरे या फलाना है, ये है वो सब चीज़ें सुबह होती हैं जब लोग जाग रहे होते हैं। अभी भाई भाई पूरी ट्रेन इस टाइम सो रही है और मैं अकेला जाग रहा हूँ। इधर तो पीछे जो कैबिन है ना मेरे कोच का, मतलब अगर पिछला हिस्सा देखा जाए या डोर अगर के नेक्स्ट वाला, तो वो पूरा इस टाइम लाइटें वाइटें बंद है, वो लोग सो रहे हैं, सब स्लीपर में सब लोग सो रहे हैं, सब टोटल सो रहे हैं भाई। मैं खाना पीना लेने गया था ना, मैंने पूरी ट्रेन पहले देखी है, फिर उसके बाद मैं खाना पीना लेने गया था, तो मैंने देखा सब सो रहे हैं भाई। टोटल जितनी जनता बैठी है ना इस टाइम इस ट्रेन में, सब टोटल सो रही है। मतलब कोई ऐसा भी नहीं है जो फोन चला रहा होगा इस टाइम, कोई नहीं है भाई, सब सो रहे हैं, टोटल के टोटल सो रहे हैं। इस क्रॉस की वजह से मेरा पूरा सिनेरियो फेल करवाएगी ये, मैं अब क्या करूं। 43 पे अराइव किया, शुक्र है भगवान का। कितनी देर रुकना है? 2 मिनट ही रुकना भाई, बस 2 मिनट।
2 मिनट टेक्निक। अच्छा इस पर टेक्निक, लो भाई टेक्निकल हॉल्ट की बात कर रहे थे और स्टेशन पे इसका टेक्निकल हॉल्ट आ गया। कुछ चेकिंग वेकिंग होनी होगी। वैसे कोटियम पे रख लेते तो ज़्यादा बढ़िया था। कोटियम पे 12 मिनट का हॉल्ट रख ले, मतलब जितने भी मिनट का है, 2 30 वही 10 मिनट का है ना, तो 12 मिनट हैं। कोटियम 18 किलोमीटर है ना, वही मैं देखूँ कोटियम पे कितना है, 2 2 10 वही है ना, 2 12 कर लेते तो ज़्यादा बेटर था। लो जी आ गया कोटियम, सो 45 पे डिपार्चर है ना, तो मार दो सिटी। सो इट्स टाइम टू डिपार्ट। लो जी अब थोड़ी जर्नी ठीक लग रही है मेरे को। मतलब उस टाइम पीरियड में मैं काफ़ी हद तक बोर हो गया था, हालांकि ये सारी एडिटिंग वाली जर्नी है, लेकिन मज़ा आएगा आपको, मेरे को उम्मीद है पूरी। मेरी खुद की एक मेहनत, मतलब मेरी खुद की एक पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो मज़ा आएगा। आप लोग बोर नहीं, एटलीस्ट आप लोग इस वजह से बोर नहीं होगे, भाई साहब पैरेलल हो गया। चलो और छोड़ो, और क्या ही कहना, खींचो खींचो स्पीड मेन लाइन पर, खींचो खींचो भाई। कोटियम तक पैरेलल रन है भाई साहब, पर ये बहुत तेज चली है, इसने मूड खराब कर दिया सारा। मैं ये चीटिंग है, ये चली बहुत तेज है, इसको डिपार्चर ही बहुत तेज मिला, चीटिंग है। हमारे लोको पायलट ने थ्रॉटल ही नहीं दिया, ये तो साफ चीटिंग होगी भाई, मैं खेल ही नहीं रहा। नहीं ये मेन लाइन पे आ रही है और स्पीड पे है, बाप रे भे भगवान, बचाए ऐसे लोको पायलट से। ओ भाई साहब कोई बात नहीं बेटे, ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, राजधानी है ना, ठीक है। एक बार स्पीड लिमिट मिलने से तेरे को अभी बताते हैं भाई, हम कच्चे, हमारे लोगों पायलट साहब कच्चे खिलाड़ी नहीं है। आ गई भी है, अभी अपने रेंज में है भाई, 110 फिर मिली है, इसको इग्नोर करो भाई, ये नहीं है। भाग गई, सच्ची भाग गई, और वो अच्छी गायब हुई, और वो अपना जो भी वायर हो गई गायब। एक शानदार कर्व पे हमारी एर्नाकुलम कोविड स्पेशल बहुत रुला रुला के ला रही है। बाय 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 बाय, पैरेलल के चक्कर में स्पीड ज़्यादा नहीं ना, ना वो नहीं काम करते। चलो बस कोटियम लास्ट है, इसके बाद जर्नी बाकी कल कंटिन्यू करेंगे, कल मतलब डे पार्ट थ्री में यार, सॉरी जुबान इधर उधर हो रही है, पार्ट थ्री में। नहीं हो पाई भाई, वो बहुत तेज चल रही है, हम लोग अगर 110, हम लोग 110 पे चल रहे हैं तो वो 120 समथिंग चल रही है शायद। नहीं नहीं आगे आगे इसके पास आ गए, आ जा बेटा, आ जा, लगा ले रेस, लगा लगा ना, अब आएगा नहीं, तेज होगी फिर वो, सॉरी भाई। भाई भाई राजधानी के साथ रेस, ओहो चौदह किलोमीटर रह गया हमारा कोटियम जंक्शन, बस इसको एक बार पीछे छोड़ देना, फिर मैं कट करके सीधा कोटियम के अराइविंग पे मिलूंगा बस। मतलब अगर कोशिश करते हैं कि लोको पायलट साहब 110 पे लेके तो जा रहे हैं, अगर इसको पीछे करने का मौका मिल जाए ना तो भाई मज़ा आ जाए। ओ भाई दोनों कर्व पे फर्क इतना कि वो थोड़ी आगे हम थोड़े पीछे,
बिल्कुल थोड़ा फर्क है। अगर हम लोग लोको कैब से कैब व्यू से देखें ना तो ईओजी बिल्कुल साथ ही है, बिल्कुल ईओजी का पैरेलल हो चुका। बाय 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 बाय, हो रहा है पैरेलल। कोशिश, शाबाश लोको पायलट साहब, वेरी गुड, थैंक यू। ओ हो, हरा दिया भाई फाइनली। इस पार्ट को नहीं मैं स्किप करूँगा ना, अभी मैं कंटिन्यूसली बोल रहा हूँ, इस पार्ट को नहीं मैं स्किप करूँगा। ओ भाई साहब, राजधानी अपना पैरेलल ओवरटेक किया ही है इसने, पैरेलल। मैंने पहले बोला था अपने लोगों पहले साफ में कर लेना। थोड़ा रूल्स ब्रेक किए हैं बट पैरेलल दिखाने के लिए भाई। और क्या भाई, पैरेलल नहीं दिखाना क्या? अरे मजाक कर रहे क्या? मजा नहीं लाइक। कोटे में रहेगा 10 किलोमीटर और हम करेंगे अभी किसी स्टेशन को उसके, शायद दोनों मिलके कर सकते हैं भाई। नहीं, इसकी ब्रेक लगी है, ये रुकेगी 100% रुकेगी, बहुत गंदी ब्रेक लगी है। दोनों एक शानदार कर्व पे भाई साहब। अब दोनों प्रीमियम प्रीमियम है या नहीं, लेकिन इधर वाली तो है ही है। अब राजधानी के नाम पे पैसेंजर चला दोगे तो वो भी प्रीमियम ही रहेगी। राजधानी पैसेंजर, राजधानी आ गया ना बस, या राजधानी पैसेंजर, कुछ भी चलेगा सब उसमें। राजधानी के लोको पायलट साहब, अब आप रेस्ट करो, अब हम जा रहे हैं आगे आपसे, आपको रुकना है मुझे पता। ओ भाई भाई भाई, टक्कर मत मारने भाई, चेरी मत फोड़ दे मेरा भाई। हैप्पी जर्नी, स्टे सेफ। बहुत तंग किया तुम लोगों ने, हम लोग क्रॉस स्किप मार रहे हैं किसी स्टेशन को। किंग क्या लिखा है, किंगावा समझ गए ना बस आप लोग, ठीक है बस यही चाहिए था मुझे। 110 पे स्किप मारा इसको, मजा नहीं लाइफ करके। चलो अब मैं आपको मिलता हूँ कोटेम की अराइविंग पे, बाय बाय। और अब सिंगल लाइन रूट आ गया, प्रॉपर आ गया, हाँ प्रॉपर ही मान के चलो। कोटेम प्लेटफॉर्म 1 पे अराइव करेंगे हम लोग, अच्छी बात है। प्रायोरिटी प्लेटफॉर्म, पता नहीं प्रायोरिटी है या नहीं है, मैंने तो ऐसे बोल दिया। राजधानी का पैरेलल रन भाई साहब, मैं कहता हूँ स्वाद आ गया मुझे पूरी जर्नी में कोट्टयम तक की, स्टिल मज़ा आ गया। मतलब लेवल ही अलग लेवल पे पहुँच गई है ये। उल्टा मेरा मन कर रहा है एक ही सारी रिकॉर्ड करके ना और अपलोड कर दूँ, लेकिन वो फ़ायदा नहीं है उसका कोई। रूल रूल है भाई, जितना मर्जी एक्साइटमेंट हो लेकिन रूल रूल ही है। वैगनाइन खड़े हैं और बंद पड़े हैं और पीछे मालगाड़ी लगी है सकारानी फ्राइड, पहली मालगाड़ी देखी अब तक मैंने पूरे सिनेरियो में भाई। बहुत मस्त सिनेरियो बनाया भाई, बहुत ज़्यादा दिल को जीतने वाला बनाया। कोट्टयम जंक्शन, इस टाइम स्टेशन पर कितना रश है भाई। ओ भाई सब, टॉयलेट फॉर मैन फॉर वुमेन, जेंट्स एंड लेडीज, महिलाएं पुरुष। तू क्या टाइम देख रही है, चली जा घर अब, कौन आ रहा तेरा इतना खास लगी है टाइम देखने। चलो अरे बाय। सो ना हमारी जो नेक्स्ट जर्नी है, नेक्स्ट जर्नी मतलब अगर ऐसी जर्नी आप लोग चाहते हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, लाइक करनी पड़ेगी वीडियो और फिर कमेंट करना पड़ेगा कि नेक्स्ट जर्नी किस चीज़ की चाहिए, मेरा हो, सिनेरियो किसी का हो, क्या हो भाई। मैं तो कहता हूँ ये जिन्होंने ही सिनेरियो बनाया ना, इनको परफेक्ट सिनेरियो मेकर का अवार्ड देना है मेरी तरफ से। मैंने शानदार जान भाई साहब, आउटर नहीं, वो छोटा प्लेटफॉर्म है भाई, आउटर वेटर कुछ नहीं है इसका। बहुत गंदी ब्रेक लगाई है, CT3 खड़ा है, 2 खड़ा, वैगनाइन डॉक्टर सिल्वर खड़े हैं, 2 तेजस के कोच सॉरी
कोच नहीं कोच कोच, पागल हो गई जवान मेरी। बहुत शानदार ब्रेकिंग के साथ रुके हैं, काफ़ी नाइस ब्रेकिंग। चलो उतर दे, आओ भैया आओ, चलो भाई चढ़ो चढ़ो, आ जाओ भैया आ जाओ, इन्ना कॉलम इन्ना कॉलम इन्ना कॉलम। देखो भाई सब लाइटें वाइटें बंद है कि नहीं है, मैं पहले बोला था सब सो रहे हैं, दिखेंगे नहीं ना वो, सब सो जाते हैं जब चादर उधर ले लेते हैं ना ऊपर पूरी। इतनी तेज तो चली है ये, 10 मिनट होल्ड आई नो। सो बस आगे की जर्नी अब करेंगे कल कंटिन्यू, दो बारी सेव कर देते हैं, कोई वाहियात सा कुछ काम ना हो जाए। सो अब ये गेमिंग सिंह आपको मिलेगा पार्ट 3 में। सो अगर आपको ये दोनों पार्ट बहुत अच्छे लगे हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब से अपना अपना बोले तो एक इस जर्नी का पार्ट बने, सब्सक्राइब करने के बाद इस चैनल का हिस्सा बन जाए। इस फैमिली में बहुत अभी कम लोग हैं लेकिन हमें ज़्यादा करने हैं, सो इसीलिए मैं डेली अपडेट करता रहता हूँ इस चैनल को। सो प्लीज़ अगर आपको ऐसी जर्नीस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करके जाया करो। मैं रात को ऑलमोस्ट 1 बजे अभी ये वीडियो बना रहा हूँ, 17 जुलाई, मतलब 16 को शुरू की थी और 17 को एंड कर रहे हैं। सो हाथ जोड़ के बेनती है सबसे कि प्लीज़ जाने से पहले सब्सक्राइब कर जाना, जहाँ इतनी देर सुना वहाँ ये भी सुन लो, क्योंकि विदाउट सब्सक्राइब आपको नोटिफिकेशन नहीं आएगी और सब्सक्राइब करने का कोई पैसा नहीं लगेगा। सो मैं गेमिंग सिंह मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तो प्लीज़ अपना ध्यान रखना और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना। बाय बाय।